नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की मूवी सिंघम 3 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सिंघम 3 की मूवी की शूटिंग इस समय चल रही है और सबसे पहले जो शूटिंग करी जा रही है वो करी जा रही क्लाइमेक्स सीन की, जिसके लिए भारी भरकम रकम 25 करोड़ खर्चा करी गई है और इसके क्लाइमेक्स में देखा जाए बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी जुड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए ये बड़े बड़े जो स्टार जुड़ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं ये बड़े स्टार मूवियों को फ्लॉप ना करा दे। क्योंकि अगर हम सिंघम सीरीज की बात करें, जिसमें पहले पार्ट में अजय देवगन थे, उसकी वजह से मूवी देखिए कितनी तगड़ी सुपर डुपर हिट गई थी। दूसरे पार्ट में भी देखा जाए वो भी ब्लॉकबस्टर हिट गया था। वहीं तीसरे पार्ट की बात करें तो क्लाइमेक्स सीन में देखा जाए जितनी भी इसमें एंट्री कराई गई हैं, सब पनौती स्टार की एंट्री कराई गई हैं। अब आप ये कहेंगे पनौती स्टार क्यों कह रहे हो? पनौती स्टार मैं इसलिए कह रहा हूँ इन लोगों को, अक्षय कुमार की हम पहले बात करते हैं जो कि सबसे बड़े पनौती हैं। क्योंकि देखा जाए दोस्तों, इस समय अक्षय कुमार की बुरी मूवी फ्लॉप होना तो चलो चलता है, लेकिन अच्छी मूवी भी इनकी फ्लॉप हो रही है। रक्षाबंधन की कहानी देखिए कितनी बेहतरीन थी, कितनी बुरी तरीके से डिजास्टर हुई। सेल्फी मूवी चलिए फ्लॉप हो गई, वो रीमेक था, कोई बात नहीं। और तो और ये मिशन रानीगंज को ले लीजिए, जिसकी कहानी इतनी बढ़िया, रियल स्टोरी पे आधारित मूवी, बजट भी अच्छा खासा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूवी बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल नहीं कर पा रही, तो ये पनौती नहीं तो और क्या बोलेंगे। और ये पनौती अक्षय कुमार का साथ ही नहीं छोड़ रही है। OMG 2 को लेकर के सब लोग कह रहे थे कि अक्षय कुमार की ये मूवी हिट हो गई है। जरा आप सोचिए उसमें अक्षय कुमार का कितना रोल था। उसमें सबसे ज़्यादा सीन तो पंकज त्रिपाठी के थे और मूवी एक तरीके से देखा जाए पंकज त्रिपाठी की उसमें ज़बरदस्त एक्टिंग भी थी। तो चलिए तब भी हम मान लेते हैं अक्षय कुमार की वो मूवी हिट हो गई। लेकिन दोस्तों, देखा जाए अगर हम इसमें दूसरी सबसे बड़ी पनौती की बात करें तो वो है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर की आप बता दीजिए कौन सी मूवी हिट हो। इक्का दुक्का मूवी हिट भी होती हैं, वो भी अपने दम पे करा नहीं पाते। अदर स्टारों के साथ उनकी मूवी एक दो हिट भी हो जाती, बाकी उनकी सारी की सारी मूवी फ्लॉप। ले लीजिए, वो इस मूवी में मेन विलेन का रोल निभा रहे हैं। और अगर हम पनौती की बात करें तो करीना कपूर को ले लीजिए। देखा जाए इनसे काफ़ी समय से इनकी मूवी सिनेमा घर में लगी नहीं है। और अगर हम लाल सिंह चड्ढा मूवी की बात करें, वो भी बुरी तरीके से डिजास्टर साबित हो गई थी। ऐसे में देखा जाए करीना कपूर की भी इसमें एंट्री करा दी गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो 3-4 ऐसे एक्टर हैं जो इनका इस समय जो दौर काफ़ी ख़राब चल रहा है, इन स्टारों की एंट्री करा के क्या रोहित शेट्टी ने सही किया है कि गलत? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।